अब है इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिस्टिंक्शन आपको पता, सॉरी एल्कोहल पूछ रहे हो, लेकिन तीसरा कौन सा टेस्ट होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो एल्कोहल होता है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन फिनॉल देता ही है एक्वस ब्रोमीन के साथ। ये रिएक्शन आपने पढ़ ली है, इसमें क्या बनता है? ओ एच बी आर बी आर बी आर। तो आप इसमें क्या कह सकते हो? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कैसी पीपीटी होती है इसकी? व्हाइट पीपीटी। इसकी जो पीपीटी है वो कैसी होगी? व्हाइट पीपीटी होगी। लेकिन एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं है। आप इससे आगे लिख सकते हो CH3CH2OH और ब्रोमीन वाटर अगर आप डाल रहे हो तो आ जाएगी। एक और टेस्ट है FeCl3 टेस्ट। FeCl3 की अगर हम बात करते हैं, ये जो सभी रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, सभी की सभी रिएक्शंस सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि फिनॉल के पास क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो तो रिएक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगी। इसका नाम क्या होता है? फेरिक फिनॉक्साइड। साथ में क्या निकलेगा? 3HCl। कैसा कलर होगा इसका? वॉयलेट। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को एल्कोहल के साथ करता हूं तो एल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देता है। तो ये पता चल गया होगा आपको किस तरह से रिएक्शन करनी है। ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम बात करते हैं फिनॉल के FeCl3 के साथ ये रिएक्शन दे देगा। कैसा कलर बनाएगा? वॉयलेट कलर बनाएगा। लेकिन अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसके पास इतनी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। कुछ रिएक्शंस मैं बता देता हूं इसी वाले फॉर्म में। रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन करनी है आपको एल्कोहल्स की। जब हम एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल्स की, ये कौन सा एल्कोहल ले लिया? प्राइमरी एल्कोहल। क्या बना देंगे? RCH2O- Na+। साथ में क्या बाहर निकलेगा? ½H2। एक बात मैं बता देता हूं, मेटल्स के साथ जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो टर्शियरी सबसे कम रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है? प्राइमरी। प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर कौन सा होगा? टर्शियरी होगा। किसके केस में? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं मेटल्स, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा आपको पता ही, फिर मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा, फिर एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। RCHROH ये कौन सा एल्कोहल हो गया? सेकेंडरी। इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने मैग्नीशियम के साथ क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। तो एक चीज याद रखना, आपकी क्या आएगा? ट्वाइस आएगा, साथ में क्या आएगा? एमजी बाहर का निकलेगा H2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है।
तो अल्कोहल जनरली केस में एसिडिक करेक्टर शो करने की कोशिश करता है जब हम उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देता, किसी और बेस के साथ जनरली रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता। इवन ये वाटर से भी कम क्या होते हैं, एल्कोहल कम एसिडिक होते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो क्या आएगा आर आर आर, यहां पे क्या आएगा ओ, इसकी क्या लिखोगे थ्राइस, यहां पर क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम, साथ में क्या बाहर निकलेगा 3y2 ऑफ एच। ये कौन सा एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल। इसका नाम क्या ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी एलॉक्साइड लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां पर CH3 नहीं लिया ना, एलॉक्साइड। पहले का नाम सोडियम एलॉक्साइड था, दूसरे का नाम मैग्नीशियम सेकेंडरी एलॉक्साइड कह सकते थे, इसका नाम एल्यूमिनियम टर्शरी एलॉक्साइड। तो ये रिएक्शन हो गई मेटल के साथ, किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन आपने देख ली मेटल के साथ। तो मोस्टली रिएक्शन हम करते जा रहे हैं, जैसे हमने नॉर्मल क्लेचर किया था, ईथर्स का नॉर्मल क्लेचर किया था, एल्कोहल का हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने करी थी, सभी प्रिपरेशन कर ली है हमने एल्कोहल्स की, हमने HI के साथ रिएक्शन कर ली है ईथर की, हमने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कर ली है, हमने एनिसोल के सभी रिएक्शन पढ़ ली है, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिए हैं, हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिए हैं, बस एक रिएक्शन कोल भी रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, एक रिएक्शन अभी रह रही है हमारे पास, रायमंड डायमंड रिएक्शन रह रही है, जिसे हम जल्दी मैं आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि किस तरह से रायमंड डायमंड रिएक्शन होगी। अब इसमें ज्यादातर जो अगर हम बात करें तो रायमंड डायमंड रिएक्शन वगैरह रह रही, थोड़ी बहुत चीजें रह रही, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रह रहा है, और कुछ अगर हम सीबीएसई लेवल से हटकर के बात करें तो पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट रह रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और एक थोड़ी सी चीज और है पराओरिक के साथ ऑक्सीडेशन और रह रहा है, उसकी वीडियो भी शायद आज या कल में डल जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, कोई अगर दिक्कत आपको आ रही है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आई है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।